सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैशन बॉक्स 121 को और बेल के बटन को क्लिक करने से आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सर्दियों में फेस काफ़ी ड्राई हो जाता है और विंटर स्किन केयर रूटीन भी काफ़ी टफ हो जाती है, क्योंकि स्किन बार बार ड्राई हो रही होती है और स्पेशली ड्राई स्किन वालों को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपके साथ नेचुरल आइज की स्किन वाइटनिंग फेशियल का रिव्यू करूंगी, जो कि हर्बल फेशियल है और सर्दियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। डॉक्टर बिल्कीज का नाम तो आपने सुना होगा। हर्बल मेडिसिंस, हर्बल क्रीम्स या किसी भी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हर्बल तरीके से इसका सोल्यूशन देने के लिए शी इज़ वेरी फेमस, और हम इन्हें टीवी पर भी देखते रहते हैं मॉर्निंग शोज़ वगैरह में। इस फेशियल को मैंने एक साल पहले लिया था और काफ़ी बार यूज़ भी कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी ये 2 से 3 बार इस्तेमाल हो सकता है। इस फेशियल को कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई, सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन, कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, इस फेशियल को आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। नॉर्मली फेशियल 1 महीने के बाद करना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि हर्बल स्किन वाइटनिंग फेशियल है इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। 3,350 में ये फेशियल आपको मिलेगा, लेकिन डिलीवरी चार्जेस डालकर ये आपको 3,500 में पड़ जाता है। और ये फेशियल आप सिर्फ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आपको मार्केट में, किसी स्टोर में, यहाँ से कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश। इसकी पैकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इस पर एक्सपायरी डेट भी मेंशन है और इसके अलावा इसे यूज़ कैसे करना है और तमाम इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। ये नॉर्मली ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसे सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसको बस थोड़ा सा लें और अपने फेस पर लगा कर अच्छे से उसको धो लें, आपका फेस काफ़ी नीट हो जाएगा। इस फेशियल का सेकंड स्टेप है क्लिनजिंग, और ये मुलट्ठी क्लिनजिंग मिल्क है। मुलट्ठी आपकी स्किन के लिए, स्किन को वाइट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसमें एलोवेरा एंड ऑलिव ऑयल भी ऐड किया गया है, जो आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल और डर्ट को बहुत अच्छे से रिमूव करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। इसे आप सिंगल भी खरीद सकते हैं या अगर आप फेशियल किट लेना चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं। इसको भी आपने थोड़ा सा लेना है अपने फेस और नेक के हिसाब से। अगर आपका मुंह बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा ले लें, छोटा है तो थोड़ा कम ले लें और अपने फेस और नेक पे इसे अप्लाई करें। ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं, हल्के हाथों से मसाज करें, क्लेंजिंग करें और 4 से 5 मिनट के बाद रिमूव कर दें। इस फेशियल का थर्ड स्टेप है स्क्रब। फेशियल स्क्रब के बगैर तो कोई फेशियल मुकम्मल ही नहीं होता, और ये है जी तुलसी एंड एप्रिकॉट फेशियल स्क्रब। फ्रूट्स आपको पता है स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, और ये स्क्रब्स डेड स्किन को रिमूव करता है, डार्क पैचेस को लाइट करता है, एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है और इसकी स्मेल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। फोर्थ स्टेप में जी आ जाता है स्किन पोर क्लेंजर। ये टोनर का काम भी करता है और आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है। इसको आपने अपने फेस पे 5 मिनट तक लगाए रखना है। ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखता है और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी लगी मुझे। आपने इसको लगाना है और 5 मिनट तक आपने कोई मसाज कुछ नहीं करना, सिर्फ फेस पर लगे रहने देना है और उसके बाद आपने नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेना है।
अब बारी आ जाती है स्किन फूड क्रीम लगाने की। ये स्किन फूड क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका जो फेशियल है ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही कमाल का है। ये स्किन वाइट करता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, और ऐसा इफ़ेक्ट देता है जिसे कहते हैं ना गोरे गोरे हो गए, वैसा ही इफ़ेक्ट देता है। इसको लगाने के बाद आपने 5 मिनट तक अपने पूरे फेस का मसाज करना है और प्रेशर पॉइंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। सिक्स स्टेप है जी क्ले मास्क। सबसे अच्छा मुझे ऑनेस्टली इनका मास्क लगा है। इसकी खुशबू, इनका टेक्सचर बहुत ही कमाल का है। ये वाइटनिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को, और इसको लगाने के बाद सही पता चलता है कि वाकई भाई फेशियल हुआ है। स्किन पे जो ग्लो आता है एग्जैक्ट वही रिजल्ट मिल रहा होता है जो हम चाहते हैं। स्टेप नंबर 7 स्किन शाइनर। ये आपकी स्किन में बहुत अच्छी सी शाइन लेकर आता है। तकरीबन इनके हर प्रोडक्ट में स्किन वाइटनिंग फेशियल में फ्रूट्स यूज़ किए गए हैं जो आपकी स्किन को जवान बना देते हैं। तो ड्राई स्किन वाले अगर इसको यूज़ करते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने काफ़ी लोगों को ये फेशियल यूज़ करवाया है, इसको टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और जिस जिसने भी इसको यूज़ किया है उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया है इसे। लेकिन ये ऑयली स्किन वालों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है और थोड़ी देर इसे छोड़ दें, उसके बाद इसे वॉश कर लेना है। इस फेशियल का 8 एंड लास्ट स्टेप सूदिंग लोशन। ये अमूमन ब्लीच या वैक्स के बाद लगाया जाता है ताकि स्किन पे कोई इरिटेशन या रैश वगैरह ना हो जाए। इस फेशियल को करने के बाद आपने थोड़ा सा इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है और 5 मिनट के बाद अपना मुँह धो लें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।